नमस्कार दोस्तों फार्मेसी एम में मेरे चैनल ओशन क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों ये वीडियो है ई एस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिविंग इन मतलब कि कौन से शे शेड्यूल में जो सर्जिकल ड्रेसिंग है वो की जाती है तो द राइट आंसर इसका है शेड्यूल एफ सेकेंड ठीक है अगर अपन देखते हैं इसकी और ऑप्शन देखते हैं शेड्यूल एच शेड्यूल एच में क्या है शेड्यूल एच में है इंक्लूड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ड्रग एंड मेडिसिन विच मस्ट बी सोल्ड बाई रिटेल ओनली वेन ए प्रिस्क्रिप्शन बाई आर एम पी एप सेकेंड हो गया इसके अलावा अपन अगर आप थर्ड की बात करें इसमें क्या है इसमें है स्टैंडर्ड फॉर अम्बलिकल टैप्स अम्बलिकल टैप्स इसके अंदर हैं उसके अलावा एफ एफ में क्या है स्टैंडर्ड फॉर ऑपथेलमिक प्रिपेशन तो राइट आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड शेड्यूल एस रेफर्स टू शेड्यूल एस है वो किससे संबंधित है तो शेड्यूल एस है स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स से ये संबंधित है क्वेश्चन नंबर थर्ड द आर्ट ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड प्लान करना स्टाफ को प्लान करना स्टाफ को मोटिवेटिव करना और स्टाफ को कंट्रोल करना हम इसको क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है मैनेजमेंट क्योंकि देखिए कोई भी जो हॉस्पिटल है या कोई भी सिस्टम है वहां पे अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे स्टाफ ढंग से काम नहीं कर पाएगा सारी की सारी वहाँ पे इरेगुलरिटी हो जाएगी तो उसके लिए इस मैनेजमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूनोलॉन कंटेनिंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट इनमें से ऐसा क्यूनोलिन कंटेनिंग एजेंट कौन सा है जो यूरिनरी ट्रैक जो इन्फेक्शन होता है उसमें काम में लिया जाता है द राइट आंसर इज सिप्रोफ्लॉक्सिंग और भी एक अपने ऑप्शन देखते हैं एनोक्सेसिन देखते हैं इट्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोरोनोलॉन एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड यूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड गोनेरिया गोनेरिया एक एसडी डिजीज है सिनोक्सीसिन सिनोक्सेसिन यूज अभी इसका यूज़ नहीं करते अपन इसको थर्टी ईयर्स अगो मतलब पहले यूज़ करते थे अब इसका मोस्टली यूज नहीं किया जाता नेलेडिक्सिक एसिड इसको किस में काम में लेते हैं फर्स्ट ऑफ द सिंथेटिक क्यूनोन एंटीबायोटिक और जो सिप्रोफ्लॉक्सीसिन है इसको अपन जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन डायरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन और टाइफाइड फीवर उसके अंदर भी इसको काम में अपन लेते हैं नेक्स्ट विम्स ट्यूमर इज known as इज विम्स ट्यूमर इनमें से स्कोर क्या कहा जाता है द राइट आंसर इज सी नेफ्रोब्लास्टोमा इसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहा जाता है ये क्या होता है ये एक टाइप ऑफ चाइल्डहुड कैंसर स्टार्ट इन किडनी ये बच्चों में कैंसर होता है और इसका स्टार्ट कहाँ से होता है किडनी से याद रखिएगा मोस्टली चाइल्ड्स में होता है ये. नेक्स्ट एनाफाइलेटिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिविटी द राइट आंसर इज ए टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिविटी मतलब कि कौन सी हाइपर सेंसिविटी इसकी स्टेज होती है जिसके अंतर्गत हमें एना फायलैटिक एलर्जी शो होती है एनाफाइलेटिक एलर्जी क्या होती है मतलब बहुत जल्दी कोई चीज़ से एलर्जी हो जाना और खासकर पूरी बॉडी पर होती है इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है वॉमिटिंग होती है फ... उसके अलावा जो हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाती है अब देखिए अपन देखते हैं कि जो हाइपर सेंसीटिविटी है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट है देखिए जो टाइप फर्स्ट है इसको बोलते हैं अपन इमीडिएट टाइप फर्स्ट है वो था इमीडिएट मतलब ऑन द स्पॉट हो जाता है और इसके अंदर आई जी ई आई जी ई जो एंटीबॉडीज़ है वो परफॉर्म करती है जैसे एग्जाम्पल ड्रग रिएक्शन एज लाइक पेनिसिलिन या फिर फूड एलर्जी या फिर इंसेक्ट एलर्जी टाइप जो सेकंड है अपन देखते हैं इसको बोलते हैं अपन साइटोटॉक्सिक ये आई एंड आई जी इसमें बाइंड टू एंटीजन जैसे एक्यूट हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या फिर रोमेटेड फीवर टाइप थर्ड की बात करूँ अगर मैं तो टाइप थर्ड होती है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी बाइंड टू एंटीजन सर्कुलेशन, एग्जाम्पल सिस्टमेटिक लम्ब इू मेटस एस एलई टाइप थर्ड का एग्जाम्पल है एस एलई एंड जो टाइप फोर है वो कौन सी है डिलेड जैसे स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम राइट आंसर इज ए नेक्स्ट द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बोर्न इज कॉल्ड जो छोटे बच्चे होते हैं जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनमें जो एडिपोस टिश्यू है उसको क्या कहा जाता है उसको कहते हैं ब्राउन फैट ब्राउन एडिपोज टिश्यूज स्पेशली एब इन न्यू बॉर्न इन हाइबरनेटिंग मेमेलिन। एक चीज में कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है थर्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन क्या होता है इट इज एबिलिटी टू कीप बॉडी टेम्परेचर विथ सर्टेन बाउंड्रीज वेन सराउंडिंग टेम्परेचर इज वेरी डिफरेंट मतलब अगर आसपास का टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो टेम्परेचर को मैंटेन करना और एडिपोजू स्टोर एनर्जी टू फॉर्म ऑफ फैट एडिपोस्ट इश्यू होते हैं वह एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन अल्जाइमा डिजीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड देखिए अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है मोस्टली ये डिजीज़ होती है ओल्ड एज में होती है इसमें व्यक्ति क्या भूल जाता है मेमोरी मेमोरीलेस हो जाती है खासकर उसको कोई चीज़ जैसे मान लीजिए चश्मा है तो चश्मा सर पर लगा हुआ है फिर भी भूल जाते हैं कि चश्मा कहाँ रखा हुआ है तो ऐसी चीज़ें बुढ़ापे में ज़्यादा होती हैं द राइट आंसर इज बीटा अमाइलोइड नेक्स्ट ऑल इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ह्यूमन राइट आंसर इज erythrocytes, इरिथ्रोसाइटिस स्टाइरोन द राइट आंसर इज ये जो होता है ये एक सिंथेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमर होता है नेक्स्ट बिस्मत सब कार्टोनेट इज एन जो बिस्मत सब कार्टोनेट होता है वो क्या होता है इट्स ए एब्जॉर्बेंट एंड एस्ट्रीजेंट एब्जॉर्मेंट कहता है कुछ चीज को एब्जॉर्ब करना और एस्ट्रीजेंट क्या होता है एबल टू स्टॉप ए कट फ्रॉम ब्लीडिंग एंड मेक स्किन टाइटनर मतलब कहां पे अगर कट लग गया बॉडी पे मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने का काम करता है नेक्स्ट द प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कोल्ड इसको क्या कहा जाता है इसको कहते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस इक्वेट का मतलब होता है बराबर जोड़ना मतलब जो बराबर हो जाती है प्राइस उसको नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड इवोल्यूशन ऑफ ए पेशेंट मेडिकेशन फॉर इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम्स टर्म एज इट्स ए मेडिकेशन रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है द राइट आंसर इज वैसोप्रेसिन क्वेश्चन और ही बनता देखियो कि वैसोप्रेसिन एक एंटी हार्मोन है नाइन एम्यूनो एसिड पेप्टाइड मतलब कि जो वैसोप्रेसिन है वो उसमें कितने एम्यूनो एसिड होते हैं नो एम्यूनो एसिड होते हैं अपन एल्डोस्टर की बात करें प्रोड्यूस जोना ग्लोरोमोसा ऑफ एडिनल कोटेक्स इन एडिनल ग्लैंड थायरोक्सिन थायरोड ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट होता है प्रोलैक्टिन, इट्स प्रोमोट मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन के समय मिल्क को प्रोडक्शन में काम में आता है द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोड्स ऑफ मेडिक मेडिकनल इंपोर्टेंस इज टर्मज जो आर्थोपोड है उनकी स्टडी अपन क्या करते हैं उसको करते हैं मेडिकल में मेडिकल एंटोमोलॉजी मेडिकल हार्पेटोलॉजी में क्या करते हैं जो रेप्टाइल्स होती है उनकी स्टडी होती है हार्बियोलॉजी में जो प्लांट्स वगैरह उनकी स्टडी होती है और जो ऑर्निथोरियम ने है नेक्स्ट हेमोस्टेटिक फॉरकैप्स आर आल्सो नॉन एज देखिए इनका काम क्या करते हैं यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं द राइट आंसर इज सी आर्टरी फॉरकैप्स नेक्स्ट निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए निकोटिनिक निकोटाइनिक रिसेप्टर इज ए लीगेंड गेटेड केशन चैनल नेक्स्ट नॉन कंपिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर इज इट्स ए एसिटाजोलेमाइड देखिए ये क्या काम करता है द इनहीबेटर रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम एंड बाइंड इक्वली वेल टू द एनजाइम विथ और विदाउट सबस्टेंस एट डिफरेंट प्लेस एट द सेम टाइम जो इनिबेटर जो काम करता है और जो एसिटा जोलेमाडेज का ब्रांड नेम क्या है डायमोक्स नेक्स्ट द कंडेंशेशन ऑफ कोरोमेटिन एंड ज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म एज द राइट आंसर इज पाइनोसिस, ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन ऑफ अ टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ कैंसर इज टर्म एज इट्स ए हाइपरप्लेशिया, द राइट आंसर इज डी देखो न्यूप्लेिया क्या होता है प्रजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू डिस्प्लेशिया क्या चीज होता है डेवलपमेंट ऑफ ए कैंसर सेल और मेटाप्लेशिया रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डिफरेंशियसल सेल टाइप ऑफ अनोदर डिफरेंशियल सेल टाइप मिरकटेन इसके अंदर क्या कंटेन होता है द राइट आंसर इज ए गम इसको बोलते हैं लोबान हाइड्रोजन प्रोक्साइड एस ए परफॉर्म बाई जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है उसका एस किसे परफॉर्म करते हैं रिडक्स ट्राइटेशन से हाइड्रोजन प्रोक्साइड जिसको अपन बोलते हैं एस टू ओ टू क्या काम आता है यूज ऑक्सीडाइजर ब्लीचिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक और जो रिड्यूस रिएक्शन होती है क्या होती है रिएक्शन बिट्वीन एनालाइट एंड ट्राइटेंट ट्रेंस फीवर इज ए ट्रेंस फीवर क्या होता है ऑप्शन है इट्स ए टिकेट डिजीज इसको अपन खाई बुखार भी बोलते हैं नेक्स्ट द विटामिन इन्वोल्ड इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है इट्स ए एस्कॉर्बिक एसिड को अपन विटामिन सी भी बोलते हैं रेस्पायरेटरी सिंड्रोम इन प्रीमेच्योर इन्फेंट इन कोज बाई द एबसेंस ऑफ इट्स ए लेसिथिन लेसिथिन को अपन क्या बोलते हैं फोस्फेट कोलाइन भी इसको बोला जाता है इट्स ए जेनरिक टर्म टू डेसिजनेट एनी ग्रुप ऑफ येलो ब्राउन फिश माओ क्या होता है ये कार्बो साइक्लिक शुगर होती है फास्टफेडाइडल सीराइन क्या होती है इट्स ए फास्फोलिपिड कंपाउंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सीफेनेव इट्स ए एल्किड फाउंड इन प्लांट्स नेक्स्ट ए डिफिशियंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिग्नोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू द राइट आंसर इज नाइमेन पिक डिजीज देखिए जो क्रैप्स डिजीज होती है इसमें क्या होता है इसमें डैमेज होती है डैमेज नर्वस सिस्टम इसमें नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाती है जेकॉब डिजीज में क्या होता है इसको अपन सी सी जे डी भी बोलते हैं इसमें इट्स ए ब्रेन डिसऑर्डर दैट लीड्स टू डिमेंटेशन एंड डेथ उसके अलावा जो गाउचर डिजीज होती है उसमें क्या होती है एनीमिया और फटीक हो जाता है नेक्स्ट इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव वो प्लांट ए ग्लाइकोसाइड ये यूज किस में आता है यूज आता है कैंसर में जैसे टेस्टिकुलर कैंसर लंग कैंसर लिम्फोमा कैंसर एंड ल्यूकेमिया कैंसर इनमें ये यूज आता है नेक्स्ट द साल्ट यूज इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइल ट्रैक्ट इज मतलब जो गैस्ट्रो ट्रैक्ट है उसमें जो एक्सरे काम में लेते हैं उसमें साल्ट कौन सा काम में लेते हैं तो उसमें लेते हैं बी ए एस ओ फोर इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है नेक्स्ट एम आर एन एज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस एज एच एन आर एन इसको अपन बोलते हैं हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आर एन ए नेक्स्ट द इनटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ फोर टू टेन ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरापूटिक बेस इज कॉल्ड मतलब दिन में चार से दस मतलब जो टेबलेट बहुत सारे लेना है तो ये कौन सा होता है ये होता है पोलीफार्मेसी मोस्टली ये बुढ़ापे में होता है मतलब बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं डेगलुटिशन इज ए ट्रम रिलेटेड टू डेगुलशन इज ए ट्रम रिलेटेड टू ये ट्रम रिलेटेड है स्वेलिंग से मतलब निगलने से ए प्रोसेस इन द हुमन और एनिमल बॉडी दैट अलाउ फॉर ए सबस्टेंस टू पास फ्रॉम द माउथ राइट आंसर इज ए मैरेसमस इज एसोसिएटेड विद मैरेमस जो किसकी कमी से होता है ये होता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशेंसी इससे ये डिजीज़ होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबोलिज्म इनमें से कौन सा है जो प्रोटीन प्रोटीन मेटाबोलिज्म में वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है द राइट आंसर इज यूरिक एसिड नेक्स्ट ग्लूकोकोटिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन जो ग्लूकोकोटिकोइड्स हैं वो किस में इन्वोल्व होते हैं ये होते हैं फैट मेटाबोलिज्म में फाइलोक्नोन इज अनोदर नेम फॉर फाइलो है वो किसका अनोदर नेम है इट्स ए विटामिन के अनोदर नेम द कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फिटल एबनॉर्मटीज इज टर्म्ड एज टेरेटोजेनेसिटी देखिए टेरेटोजेनेसिटी क्या होती है इसमें जो बच्चे होते हैं उसकी हाथ और पैरों में विकृतियाँ हो जाती हैं सर right ए कार्सिनोजेनिसिटी ये कैंसर से संबंधित है म्यूटाजेनेसिटी ये इसमें क्या होता है जो डीएनए होता है वो डैमेज हो जाता है एंड पैथोजेनेसिटी क्या चीज़ होती है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज इस सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग है इट्स ए एलिन एलिन इज ए सल्फोक्साइड ट इज नेचुरल कंसटेंट ऑफ फ्रेश गार्लिक जो फ्रेश गार्लिक है उसका नेचुरल कंटेंट है जब जो फ्रेश गार्लिक है इसको क्रश किया जाता है तो जो एंजाइम होता है एलिनेज ये कन्वर्ट हो जाता है एलिन में और into और देखते हैं अपन ऑर्निथिन इट्स ए रोल इन यूरिया साइकिल यूरिया साइकिल में ये रोल करता है उसके अलावा जो एस एसपारजिन होता है ये क्या होता है इट्स नॉन एसेंटियल अमीनो एसिड एंड यूज फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ क्लाइको प्रोटीन्स ग्लूटामाइन में काम आता है इंटेस्टाइन हेल्थ में स्पेशल रोल अदा करता है एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फिटल ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड इन स्प्लिन देखिए स्प्लिन है यहाँ पर जो स्पेशल होता है जो ब्लड सेल है वो प्रोड्यूस होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायरय ड्रग इनमें से कौन सी जो एंटी थायराइड ड्रग है इट्स ए मेथिमाजोल है एंटी थायराइड ड्रग है टोलाजेमाइड किसमें काम आती है इट्स ए ब्लड ग्लूकोज लोवरिंग मतलब जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको लोवर करती है लिवोथायरोक्सिन लिवो किस में यूज करते हैं ट्रीट अंडर एक्टिव थायराइड हाइपोथायरोडिज्म एंड क्लोरोप्रोमाइड काम में लेते हैं यूज डायबिटीज मेलिटस टाइप टू एसिड फास्टनेस फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टैंडिंग इज ड्यू टू द एबिडेंस ऑफ इनमें से कौन सा है द राइट आंसर इज ए माइकोलिक एसिड माइकोलिक एसिड क्या है लॉन्ग फैटी एसिड है नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल इनमें से कौन सा है द राइट आंसर इज ए असुआ थैंक यू दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्टी वन सेटी उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है अभी वो आपको वो वीडियो भी में मिल जाएगा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू दोस्तों हैव ए नाइस डे